भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अपनी पहली सूची उम्मीदवारों की जारी की है, जिसमें करौली जिले से दो सीटों पर हिंडौन सिटी और सपोटरा में अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। मैं इस समय मौजूद हूं हिंडौन सिटी में और मेरे साथ हैं पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव, जिसको एक बार फिर उन्हें तीसरी बार हिंडौन सिटी से पार्टी ने विश्वास जताते हुए टिकट दिया है। हम उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों पर लेकर वो क्षेत्र में जाएंगी और क्या एक बार उन्हें कमल हिंडौन सिटी में खिलाने में कामयाब हो जाएंगी। बता दूं आपको कि राजकुमारी जिला प्रमुख रह चुकी सवाई माधोपुर जिले की, उसके बाद आगे चलकर पार्टी ने हिंडौन सिटी से 2008 में बीजेपी से टिकट दिया था, उस समय हार गई थी, लेकिन फिर पार्टी ने विश्वास करते हुए 2013 में टिकट दिया और 13 में जीत दर्ज की। उसके बाद 2018 में पार्टी ने टिकट नहीं देकर अब एक बार पुनः उन पर विश्वास किया है और हम जानेंगे राजकुमारी जी से कि वो किन मुद्दों पर लेकर खेत में जाएंगी और एक बार हिंडौन सिटी में कमल खिलाने में कामयाब होंगी। मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में राजस्थान की में स्थान दिया है। हिंडौन से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया है और मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने में पूरी मेहनत करूँगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और आम जन, जैसी टिकट की घोषणा हुई हजारों कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा, यहाँ भरोसी जाटव इस समय विधायक हैं, वो पांचवीं बार विधायक बने हैं, उनका एक बेटा सभापति है, दूसरा प्रधान है, तो उन तीनों की जो तिकड़ी है, उन्होंने जो पिछले काम किए हैं पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार के में, तो उनसे किस प्रकार से आप जाएंगी, क्या मुद्दे रहेंगे उनके, किस प्रकार से जो काम किए हैं, विकास कार्य उन्होंने कराया है, किस प्रकार से देखते हैं? मैं 13 से 18 तक विधायक रही थी और विधायक रहते हुए मैंने हर क्षेत्र में काम कराने की कोशिश की। जैसे गांव में ग्रामीण गौरव पथ बनाए, शहर में भी हमने रोडों का जाल बिछाया, हर जगह हमने हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी बनवाई, हमने कॉलेज को भी प्रोमिनेंट कराया, इसमें विज्ञान संख्या खुलवाई, बहुत सारे काम, हॉस्पिटल खुलवाए, महावीर जी हॉस्पिटल खुलवाया, सूरत में हमने हॉस्पिटल प्रोमिनेंट कराया, बिल्डिंगें बनवाई, हर जगह मैंने हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश करी और जनता उस काम को याद करती है और उसी जनता का प्यार और आशीर्वाद से आज मुझे पार्टी ने प्रत्याशी जो घोषित किया है, जनता का पूरा प्रेम मुझे मिल रहा है। निश्चित रूप से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और यहाँ से विधायक चुनने के बाद में मैं आम जन को साथ लेकर के जनता की भावनाओं के अनुसार मैं काम करूँगी। क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार पानी, बिजली, रोड, शिक्षा और चिकित्सा, इस क्षेत्र में हम विशेष रूप से काम करेंगे और जो इस क्षेत्र के अंदर जो एक परिवारवाद का जो राज चल रहा है, जैसे आम जन त्रस्त है, उसको भी जिस तरीका से मैं कहना नहीं चाहती, जनता सब जानती है, तो निश्चित रूप से यहाँ लोग परेशान हैं इस सरकार से और इस राज से, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हम जनता को साथ लेकर के 5 साल जनता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मैं जनता के सेवक हूँ और जनता की सेवक बनकर रहना चाहती हूँ। मैं कोई विधायक बनकर मैंने कभी काम नहीं किया, जिला प्रमुख रहते हुए भी मैं आम जन के बीच में एक सामान्य सेवक की तरह से मैं काम करने की कोशिश करूंगी, यही मैं जनता को मेरा वचन देना चाहती हूँ। हिंडौन सिटी से आप विधिवत पूरी जानकारी है, यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे हैं, खासकर यहाँ जैसे शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ बरसात के मौसम में हर कॉलोनी में पानी भर जाता है, एक खारी नाले की समस्या है, तो इन समस्याओं से हिंडौन वासियों किस प्रकार से आप निजात पाओगी, या फिर जो इस समय जो बोर्ड है नगर परिषद का या प्रधान है, वो तीनों पिता पुत्र हैं, उनके द्वारा जो विकास कराए गए हैं जनता उन्हें देखेगी या आपके मुद्दों को? देखिए, यहाँ पर ये मानिए कि
काफी लंबे समय से यहाँ कांग्रेस का सभापति चले आ रहे हैं। और जहाँ तक शहर की बात है कि मैंने कई बार कहा है कि एनआईटियाँ कागजों में लग जाती हैं, काम धरातल पर नहीं हो रहा है। भारत सरकार से बहुत सारा पैसा आ रहा है और रोडों के लिए, सफाई के लिए, सफाई के नाम पर ये देखिए कि जैसे खारी नाले की बात आती है, खारी नाला अपनी जगह बहुत बना हुआ है, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन उसकी सफाई की ज़रूरत है। ये सफाई उसकी कभी कराते नहीं है तो उसमें कचरा जाम हो गया है, उस शहर में पानी भर जाता है। ये इन लोगों का बिल्कुल जैसे मतलब आप शहर के अंदर देखोगे तो जगह जगह गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि प्रशासन को ध्वस्त किया जाए यहाँ पर और पूरा निष्पक्ष रूप से काम किया जाए, जनता के हितों के कामों पर ध्यान दिया जाए, साफ सफाई का, और क्षेत्र में जिस तरीके से रोडों की हालत पड़ी हुई है उनको हम ध्वस्त करने का काम करेंगे आने वाले समय में। ऐसे कोई प्रमुख मुद्दे जो आप इस समय टिकट मिला है जनता के बीच लेकर जाएंगे? जनता की जो भावना है, जनता की जो भी समस्या है उनको समाधान करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास होता है और विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ते हैं और जो भी वादा करते हैं उसको पूरा करने की कोशिश पूरी करती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस राज में जब राज आने के लिए आप ये देखिए कि अभी कांग्रेस के राज में जैसे कि अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के टाइम पर बहुत सारी घोषणाएं, बहुत सारे लुभावने वादे और अभी चुनाव के टाइम पर करे जा रहे हैं, जबकि 4.5 साल तक कांग्रेस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। आज मोबाइलों का और ये जो भी है, जो सारे राहत कैंप और जो भी चलाए हैं वो अभी चुनाव के टाइम पे ही क्यों मतलब सरकार को याद आए? तो ये सब वोट लेने की राजनीति है, ये सब जनता जानती है और आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी कहने में नहीं, काम करने में विश्वास रखती है। हम जो कहते हैं वो ही करेंगे। अच्छा, एक आपके साथ लोकतांत्रिक प्रणाली है, पार्टी में आने लोगों ने भी टिकट मांगा था, उनको टिकट नहीं मिला है, आपको मिला है, पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, तो उन लोगों को किस प्रकार से आप अपने साथ जोड़ पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और ये भारतीय जनता पार्टी में सभी जगह बहुत सारे प्रत्याशियों ने टिकट कोशिश करी। एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सबने टिकट मांगा और पार्टी एक कोई टिकट देती है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी और सबको साथ लेकर के सभी से मिलूंगी, सबके घर पर जाऊँगी, सबसे बात करूँगी, सभी लोगों को साथ लेकर के चुनावी मैदान में हम उतरेंगे और सबका निश्चित रूप से मुझे साथ मिलेगा। और बहुत सारे कई प्रत्याशियों को मुझे फोन भी आ गया कि मैडम हम आपके साथ हैं, जो पार्टी ने निर्णय किया और सभी को साथ लेकर चलेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ सब कार्यकर्ता जिनने टिकट मांगा वो भी हमारे साथ लगे। ये थी हिंडौन से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार राजकुमारी जाटव। पूर्व में विधायक रह चुकी हैं, इससे पहले वो जिला प्रमुख भी सवाई माधोपुर की रही हैं, तो उन्हें एक राजनीति का लंबा अनुभव है। अभी देखना होगा कि हिंडौन सिटी में इस बार वो कमल खिलाने में कामयाब होती हैं नहीं। भोपाल माली, राजस्थान तक, हिंडौन सिटी।